अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ फिट फाट होंगे। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हूँ। आज हम बैक्टीरियल के जो सीरीज थी उसी के अंदर हम आज एक नई बीमारी बैक्टीरियल स्पॉट के बारे में बात करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ सब भाइयों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन टाइम से पहुँचती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैक्टीरियल स्पॉट बैक्टीरियल बीमारी है जी ये, और नाम से ही जाहिर है स्पॉट। स्पॉट का मतलब कोई ऐसे स्पॉट्स, छोटे स्पॉट्स होते हैं इसके अंदर। ये स्पॉट्स जो बैक्टीरियल सीक, जो मैंने पिछली बीमारी का जिक्र किया था, अगर किसी ने नहीं देखी तो आई के निशान पर क्लिक कर लें और उस वीडियो को देख लें। बैक्टीरियल स्पेक और बैक्टीरियल स्पॉट के दरमियान में आपको फ़र्क इतना आसानी से नहीं पता चलेगा। मेजर फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों में क्या बड़ा फ़र्क है जो आपको, जिससे आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, अगर फार्मर्स की बात की जाए तो फार्मर्स को इन चीज़ों के आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, वो फिर बैक्टीरियासाइड से ही इसको कवर करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बात ये लाजमी है, या अगर किसी ने इसको समझना है उसके लिए लाजमी है तो इसको समझे। इन दोनों का फ़र्क इसके जो स्पॉट के शेप से और साइज से आपको इसका फ़र्क पता चलेगा। स्पेक में मैंने पहले बात की थी, बैक्टीरिया स्पेक के अंदर आपको जो है ना सर्कुलर या इलोंगेटेड शेप में आपको जो है ना बेजवी शक्ल में आपको जो है ना स्पॉट नज़र आएंगे, और उसके जो स्पॉट्स हैं वो 1 mm से बड़े नहीं होते, आपको इतने बड़े स्पॉट्स नहीं नज़र आएंगे। बैक्टीरियल स्पॉट में आपको जो साइज है, वो जो जो जख्म का साइज है वो तकरीबन ये समझ लें कि 4 से 5 mm तक नज़र आ सकता है, और इसकी शेप जो है ना वो एंगुलर होती है, वो अजीब सी शेप बनाता है ये कुछ किसी एक इसकी शेप को एंगुलर इस वजह से कहा जाए, ये ट्राइंगल भी हो सकता है, लंगेट अजीब किस्म की शक्लें बना सकता है, कोई लाजमी नहीं है कि इसकी शक्ल को हम कोई नाम दें। तो इसलिए तीसरी जो बड़ी बात जिसमें आप फर्क है, उसके स्पेक में हम जो आपका जो स्पॉट होगा उसके सराउंडिंग में आपको जो येलो कलर का जो है ना वो नज़र आएगा, दायरा सा नज़र आएगा। इसके सेक्शन में बैक्टीरियल स्पॉट में आपको कोई दायरा नज़र नहीं आएगा, जस्ट आपको ब्लैक या ब्राउनिश किस्म का डार्क स्पॉट नज़र आएगा, और अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो वो अंदर से ड्राई होगा और वो क्रैक होगा। तो ये इसकी जो मेन पहचान है, इसकी लीव्स के ऊपर अगर आप इसकी तस्वीरों को देखें तो आपको तस्वीरों से अंदाज़ा हो जाएगा। और यही सिम्टम्स आपको इसके तने के करीब भी आपको नज़र आ सकते हैं, और ये ब्राउनिश कलर के, और अगर आप इसके फ्रूट के ऊपर जाएं तो फ्रूट के ऊपर भी आपको छोटे स्पॉट नज़र आएंगे। और इनके साइजेस आप, मैंने आपसे पहले कहा कि आम उससे जो दूसरी बीमारियां हैं उनसे थोड़ा बड़े साइजेस होते हैं, 3 से 4 mm तक हो सकते हैं। अगर हम इंचेस में बात करें तो 0.25 inches का साइज भी हो सकता है इसका। कंडीशंस पे बात करें तो कंडीशन में हम इसके लिए जो कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं वो थोड़ी सी उस दूसरे से डिफरेंट हैं। ये इसकी जो ग्रोथ है वो होती है 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, और ह्यूमिडिटी इसको ज़रा ज़्यादा चाहिए होती है। अगर आप ह्यूमिडिटी आपके टनल के अंदर या आपके मौसम के अंदर फोगी मौसम है तो उसमें इसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें ह्यूमिडिटी काफ़ी बढ़ जाती है। इसके लिए जो ह्यूमिडिटी की ज़रूरत है वो है तकरीबन ये समझ लें कि 70 से अबव हो, और 90 के दरमियान में होगी तो इसका अटैक आपको नज़र आ सकता है। बात वही है कि आपको अगर इसको रोकना है तो अपनी स्प्रिंकलर इरीगेशन को आपने रोकना होगा, और स्प्रिंकलर इरीगेशन इसके लिए अच्छी नहीं है। अगर बारिशें हो रही हैं तो उससे ये बढ़ सकती है, तो बारिश के बाद कोशिश करें कि फंजीसाइड या बैक्टीरियासाइड का कोशिश करें कि हमेशा स्प्रे रखें। कंट्रोल पे बात करें तो कंट्रोल में हमेशा मैं एक बात करता हूँ कि हमेशा कोशिश करें कि रेजिस्टेंट वेराइटीज़ का की कोशिश करें, कि अगर आपको आपने कोई वेराइटी काश की भी है और उसमें आपको ये मसला आ रहा है तो अगले साल उसकी काश मत करें। अगर काश उसकी दोबारा करनी भी है तो प्लीज़ अपनी जो क्रॉप रोटेशन है उसको लाजमी फॉलो करें। क्रॉप रोटेशन से आप इसको कवर कर सकते हैं। अगर आप क्रॉप रोटेशन नहीं करना चाह रहे तो फिर आप कोशिश करें कि हमेशा रेजिस्टेंट वेराइटीज़ की सिलेक्शन करें और रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को ही काश करें। और
जब भी आपने पानी पानी लगाना है, तो अगर पानी लगा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि स्प्रिंकलर तरीके से मत लगाएं। अगर आपने नॉन रेजिस्टेंट वेराइटीज़ काश की हुई और आपकी वेराइटीज़ में ये मसला आ रहा है, तो स्प्रे फरो या जिसे हम फ्लड इरिगेशन कहते हैं, आप फ्लड इरिगेशन करें। फ्लड इरिगेशन से इसकी कंट्रोल रहती है। ड्रिप इरिगेशन से आप इसको बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इतनी नहीं फैलती। और मॉइस्चर को कंट्रोल करें। अगर मॉइस्चर आपके एरिया में बढ़ रहा है, तो फिर आपको ये मसाइल आएंगे। फिर फंजीसाइड का अच्छी टाइम से फंजीसाइड का प्लस बैक्टेरियासाइड का कम्बिनेशन करके स्प्रे किया करें, ताकि आपको ये मसाइल ना पेश आए। हम अगर केमिकल कंट्रोल की तरफ बात करें, तो केमिकल कंट्रोल में आपको जो है ना, वही कि आपको कॉपर बेस फंजीसाइड या बैक्टेरियासाइड आपने कंबाइन करके स्प्रे करने हैं, जिसमें रेडोमिल गोल्ड एक अच्छा प्रोडक्ट है, कासोमेन में एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और इसके अलावा आप कोसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोसाइड में कॉपर हाइड्रोक्साइड है, इसलिए आप उसका इस्तेमाल करें। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से ज़रा इतना करें, क्योंकि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से आपको जल बर्निंग के मसाइल आ सकते हैं। तो कोशिश करें कि कॉपर हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करें। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन आपके लिए मसाइल नहीं क्रिएट करेगी। ये थी जी आज की दूसरी बीमारी, बैक्टीरियल स्पॉट। इंशाल्लाह इससे आपको इतनी बड़ी नॉलेज मिल चुकी होगी, जिससे आप इसको समझ सकते हैं और इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें अपने भाइयों के साथ, ताकि ये ऐसी वीडियोस उन तक पहुंचते रहें। दुआओं में याद रखें, और इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हूँगा। अस्सलाम वालेकुम।